जो मतलब अपने देश के बहुत ही बड़े डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, और उन्होंने इसके पहले भी बहुत अच्छी फिल्में बनाई है। तो जो पद्मावती फिल्म जो उन्होंने बनाई है, तो ये पद्मावती के कैरेक्टर को न्याय देने के लिए उन्होंने बनाई है। उनकी भावना कोई पद्मावती का अपमान करने की नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी जब पद्मावती एक रानी थी, पद्मावती ने मतलब जोहार किया था, और अलाउद्दीन खिलजी ने जब वो पूरा राज कैप्चर कर दिया था, उनकी जीत हो गई थी, तो वो मतलब पद्मावती को पाना चाहता था, लेकिन उसके पहले ही उन्होंने अपनी इज्जत का विचार करते हुए उन्होंने जोहार किया था अपने 16,000 महिलाओं के साथ। तो अपने इज्जत को हाथ ना लगे, अपने जो कुल अपना है उसको भी धक्का ना लगे, और इसीलिए उन्होंने जोहार करने का निर्णय ले लिया था। वहीं से रानी पर फिल्म निकालना एक अच्छी बात थी, लेकिन वहाँ रानी डांस कर रही है, ये सीन बहुत ही खतरनाक सीन था। और दूसरा ये है कि मतलब सेंसॉर बोर्ड ने उसको सेंसॉर फिल्म करने के पहले ही उसकी एडवर्टाइजमेंट करना ये भी ठीक नहीं था। पहले सेंसॉर बोर्ड के पास फिल्म का पूरा वो फिल्म पूरी उनके पास देनी चाहिए थी, और उसके बाद मतलब उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए थी। तीसरी बात ऐसी है कि जो कलाकार जो काम करता है, तो कलाकार ने उस कैरेक्टर का पूरा स्टडी करना चाहिए। डायरेक्टर कुछ भी बोलेगा, वो कलाकार ने अभिनय नहीं करना चाहिए। अगर दीपिका पादुकोण एक अच्छी डांसर भी है, अच्छी बहुत बड़ी एक्टर भी है, तो इसीलिए उनको उनको डांस कराने के लिए मतलब वो जो डांस उसमें दे दिखाया है। तो हमारी सूचना ये है कि कोई भी कलाकार ने जिस कैरेक्टर का अभिनय करना है उसका पूरा स्टडी करना चाहिए, और अगर डायरेक्टर बोलेगा तो भी वो हर बात नहीं सुननी चाहिए। तो उन्होंने मतलब ये बोलना चाहिए था कि भाई ये पद्मावती रानी थी और मैं नहीं डांस करूँगी, मुझे इस कैरेक्टर को संभालना है। और लेकिन वहाँ दीपिका पादुकोण जी ने डांस किया, और उनकी भी मजबूरी थी कि अगर वो डांस नहीं करती थी तो उनको फिल्म से निकाला जाता था। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्टर अगर मेरा नहीं सुन रही है, इसीलिए उनको फिल्म से भी निकालने का निर्णय हो सकता था। तो राजपूत समाज के भावनाओं का विचार होना चाहिए। हमारा कहना ये है कि पद्मावती खाली राजपूत समाज की नहीं थी, तो वो पूरे देश की थी, वो पूरे हिंदू समाज की थी, भारत की परंपरा को मजबूत करने वाली वो एक महिला थी। और भारत की जो परंपरा है, नीति मत्ता पर आधारित परंपरा है, और इसीलिए उन्होंने अपने बेइज्जती को टालने के लिए उन्होंने जोहार किया था। तो इसलिए उसमें हमारा कहना ये है कि फिल्म बहुत ही कुछ ऑब्जेक्शनेबल पार्ट निकालने के बाद ये फिल्म बहुत ही तगड़ी फिल्म है, बहुत ही बढ़िया फिल्म है, और ये फिल्म जल्दी जल्दी रिलीज होनी चाहिए। लेकिन उसके पहले सेंसॉर बोर्ड ने जल्दी से जल्दी राजपूत समाज के भावनाओं का विचार करते हुए जो ऑब्जेक्शनेबल सीन है उसको निकालना चाहिए। दूसरा, जिस तरह राजस्थान सरकार है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है, हरियाणा गवर्नमेंट है, इन्होंने इस फिल्म पर जब तक मतलब ये फिल्म रिलीज करने के पहले कोई ऑब्जेक्शनेबल पार्ट निकाले नहीं जाते हैं, तब तक अपने राज्यों में बैन लगाया है। तो मैं महाराष्ट्र सरकार से भी अपील करना चाहता हूँ, उसके साथ साथ बाकी के राज्यों को भी अपील करना चाहता हूँ कि जब तक वो ऑब्जेक्शनेबल पार्ट निकाले नहीं जाते हैं, तब तक इस फिल्म को अपने राज्य में रिलीज ना करें। ये भी हमारा उनको रिक्वेस्ट है, और जल्दी से जल्दी सेंसॉर बोर्ड ने उसको मतलब इसका स्टडी करके उसमें बदलाव करने की आवश्यकता है। या अगर डांस भंसाली को डांस दिखाना ही है, तो रानी को वहाँ एक जगह पर बिठा कर वो डांस दिखाया जा सकता है। मतलब अगर वो पूरा डांस का ये निकल जाएगा तो शायद ये फिल्म को लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन रानी को वहाँ दीपिका को डांस ना कराते हुए देखते हुए
दूसरी माधुरी दीक्षित है या और भी कोई है, मतलब किसी दूसरे एक्टर दूसरे मतलब पद्मावती को नहीं, मतलब पद्मावती को छोड़कर दूसरा एक आधा पार्ट जो होगा तो डांस कर सकती है, तो ऐसा हमारे इसके संबंध में मानना है। लेकिन ये फिल्म रिलीज होनी चाहिए और पद्मावती के वो कुछ ऑब्जेक्शनेबल पार्ट छोड़ने के बाद, पद्मावती जिस तरह जोहार करती है अपना, ये क्या बोलते हैं नहीं सती नहीं जोहारी बोलते हैं ना, जोहार ना, वो जोहार जो करती है तो वो अपने भारतीय महिलाओं के लिए बहुत बड़ा आदर्श है और वो मतलब फिल्म का बहुत इम्पोर्टेंट उसका पार्ट है, तो इसीलिए फिल्म आनी चाहिए और उसमें बदलाव होना चाहिए। और कलाकारों को धमकी देना ये भी बात अच्छी नहीं है, उसमें से कुछ कटछाट करो ये मांग करने का अधिकार राजपूत समाज को है, लेकिन कानून हाथ में लेकर या उनको धमकी देना कलाकारों को ये भी बात अच्छी नहीं, वो पेट के लिए काम करते हैं। जिस तरह एक बार राखी सावंत मेरे सामने रोई थी और उनका कहना ये था कि मुझे मेरे माँ को संभालना है, बहन को संभालना है और मैं ऐसे ड्रेस पहनती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं रिपब्लिकन पार्टी में भी मैं वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ लेकिन मुझे बोलने के लिए मुझे शर्म आती है कि भाई मैं ऐसा ड्रेस पहनकर मैं काम करती हूँ लेकिन पेट के लिए काम करना पड़ता है। तो इसी तरह कलाकारों का भी ऐसा है कि मतलब उनको भी अपने रोजी रोटी के लिए भी मतलब काम करना ही पड़ता है, तो इसलिए कलाकारों को धमकी देना ठीक नहीं है, उनके नाक काटेंगे, उनको किधर भी ऐसे भी कुछ फोटो हमने देखे हैं कि उनको फांसी लगाई है, नहीं ना ऐसे कुछ फोटो आए हैं कि किसी आदमी को ऐसे हम आपको भी करेंगे, तो यहाँ तक पहुँचने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि भाई कलाकार एक देश की एक बहुत बड़ी कला है, फिल्म इंडस्ट्री अपने देश की बहुत बड़ी मशहूर इंडस्ट्री है और ये इंडस्ट्री हमारे मुंबई में है, तो मुझे लगता है भाई कलाकारों का संरक्षण करने की जिम्मेदारी भी हमारी है, तो कलाकारों को भी कोई ठेस ना पहुँचे, उनको कोई धोखा ना पहुँचे, इसीलिए पुलिस और प्रशासन ने इसमें ज़्यादा ध्यान देने की भी आवश्यकता है। लेकिन ऑब्जेक्शनेबल पार्ट को निकालना चाहिए, सीन को निकालना चाहिए, ये हमारा इसमें कहना है। मंत्री जी, मेरा एक सवाल है, आपने कब रिलीज करना चाहिए? प्रसून जोशी ने कहा है, जो सीबीएफसी के चेयरमैन है, सेंसर बोर्ड के जो चेयरमैन है, उन्होंने कहा कि हमें पूरा स्टडी करने के बाद 68 दिन का कम से कम समय चाहिए इसे पास करने के लिए। तो इस स्थिति में क्या आप सूचना प्रसारण मंत्रालय से आप अपील करेंगे या सेंसर बोर्ड से आप अपील करेंगे कि इसे जल्दी किया जाए, आप बात करेंगे? हाँ मतलब हम बात करेंगे ना, हम सेंसर बोर्ड से बात करेंगे कि भाई जल्दी से जल्दी मतलब उसका स्टडी भी उनको करना चाहिए, जल्दी जल्दी मतलब एक दिन में तो काम होगा नहीं, तो सेंसर बोर्ड को भी उसमें जो राजपूत समाज ने ऑब्जेक्शन किस मुद्दों पर लिया है उसका स्टडी करके उसमें क्या कटछाट कर सकते हैं, तो अधिकार पूरा सेंसर बोर्ड को है, तो जल्दी से जल्दी मतलब कम से कम समय में, लेकिन वो जल्दी उन्होंने उसको स्टडी करके उसको कुछ सीन कट करके इसको जल्दी जल्दी रिलीज करने का परमिशन देना चाहिए। चाह ठीक है ना, इसमें थोड़ा उनको जो उन्होंने जोहार किया अपनी इज्जत को हाथ ना लगे, इसीलिए उनकी एक प्रतिमा ऐसी है कि भाई वो देवी नहीं मानना चाहिए मगर वो एक रिस्पेक्टेड लेडी है, जो मतलब अपने देश के बहुत ही बड़े डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है और उन्होंने इसके पहले भी बहुत अच्छी फिल्में बनाई है, तो जो पद्मावती फिल्म जो उन्होंने बनाई है तो ये पद्मावती के कैरेक्टर को न्याय देने के लिए उन्होंने बनाई है, उनकी भावना कोई पद्मावती का अपमान करने की नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी जब पद्मावती एक रानी थी, पद्मावती ने मतलब जोहार किया था और अलाउद्दीन खिलजी ने जब वो पूरा राज कैप्चर कर दिया था, उनकी जीत हो गई थी, तो वो मतलब पद्मावती को पाना चाहता था, लेकिन उसके पहले ही उन्होंने अपनी इज्जत का विचार करते हुए उन्होंने जोहार किया था अपने 16,000 महिलाओं के साथ, तो अपने इज्जत को हाथ ना लगे, अपने
जो कूल अपना है उसको भी धक्का ना लगे।